अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज की वीडियो में इस एडजस्टेबल को आपको ठीक करना बताऊंगा। लेकिन ये मेरा एक एडजस्टेबल है, खराब हो गया ना, इसमें से इसका रोलर भी बाहर निकला है, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो इसको देखता हूँ कि कैसे सेट किया जा सकता है। ठीक है, ये देखें, इसमें से पिन भी इसके अंदर फंसी हुई है। तो सबसे पहला काम तो मुझे आपको बताना होगा कि पिन कैसे निकलेगी उसमें से। बस ये देखें, इस तरह बीच में से टाइट होता है, ये देखें, ये बीच में डाला और ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमने इसके अंदर रोलर लगाना होता है, तो थोड़ा सा खोल के रोलर लगाते हैं और फिर ये अंदर जो है ना, ये लिंक जो है ना, इसके अंदर जोड़ के अंदर जो इसका नट होता है वो यहाँ पे अंदर जाके टाइट हो जाता है इसके साथ। तो सबसे पहले तो इसके साथ जो है ना, इसके अंदर जो वायर फंसी हुई है, ये मोटा सा तार फंसा हुआ है, इसको मैंने निकालना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए इसको खींच के भी कोशिश करता हूँ, मैंने वैसे कोशिश की तो नहीं निकला। मैंने फिर इसके साथ क्या किया, वायर के अंदर बांध के हल्का सा ऊपर से कील मारा तो वो आराम से निकला। ठीक है, ये देखें, दोनों इससे लादा लादा होगा, तो ये दोनों इससे लादा लादा हो गए। अभी इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, देखें, उसको एज इट इज लगा दिया, ये बीच में इसको डाल दिया। ये इसके अंदर सही तरह जा नहीं रहा था मेरे वाले केस में ना, क्योंकि पहले मैंने इसको थोड़ी सी सेट करने की कोशिश की, तो फिर उसको अंदर सही तरह प्रॉपर लेके जाने के लिए मैंने क्या किया, हल्का सा ग्राइंडर मार के ना, ये अंदर वाला ये चूड़ी है, इसको थोड़ा सेट कर लिया। ठीक है, जब मैंने इसको चूड़ी मार के इसको ग्राइंडर मार के इसको सेट किया, तो फिर ये प्रॉपर तरह से सही अंदर चला गया। ठीक है, पहले हालांकि मैं इसको कोशिश करता रहा कि इसके साथ ग्राइंडर ना मारना पड़े, लेकिन वो नहीं जा रहा था, तो फिर अल्टीमेटली मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसको अंदर डाल के ऊपर से हल्का सा कील मार के उसको और ज्यादा फिक्स कर दिया, और ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया। ठीक है, इसको एंड पे आप मैजिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप रेड सिलिकॉन भी लगा सकते हैं, जैसे देखिए मैंने इसको रेड सिलिकॉन लगाई। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब किए, चैनल पर मुलाकात हो।